नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया राज। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का आज 52वां जन्मदिवस है। इसको लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और बसपा प्रमुख मायावती ने भी उनको जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं दी है। लेकिन सीएम योगी ने सबसे हटके और सबसे अनोखे अंदाज में बधाई दी है, तो चलिए आपको बताते हैं आखिर सीएम योगी ने अखिलेश यादव को अनोखे अंदाज में क्या कुछ कहा है। जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का आज 52वां जन्मदिवस है। इसको लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और बसपा प्रमुख मायावती ने भी उनको जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पे पोस्ट कर अखिलेश यादव को बधाई दी। लिखा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि आपको सुदीर्घ जीवन और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हो। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी एक्स पे पोस्ट कर बधाई दी है। उन्होंने लिखा, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं अखिलेश भाई, आप स्वस्थ रहे, खुशहाल रहे और पीटीए की आवाज बुलंद करते रहे। बसपा प्रमुख ने लिखा, समाजवादी पार्टी के प्रमुख, उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और सांसद श्री अखिलेश यादव को आज उनके जन्मदिन पे हार्दिक बधाई एवं उनके लंबी उम्र की शुभकामनाएं। उनके परिवार वालों को भी इस अवसर की दिली मुबारकबाद। लखनऊ के सपा मुख्यालय के बाहर बड़ी संख्या में किन्नर समाज के लोग उन्हें शुभकामनाएं देने पहुंचे। सोने की थाली में तिलक और 11,000 रुपए लेकर अखिलेश यादव की आरती उतारेंगे और उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनने की शुभकामनाएं देंगे। सपा मुख्यालय के बाहर बड़े बड़े स्टॉल्स लगाए गए हैं, जहां पे भंडारे के साथ ही आम वितरण किया जाएगा। केक काटकर ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया जाएगा। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के जन्मदिवस के मौके पे 7 जुलाई तक समाजवादी पार्टी गांव-गांव में पीडीए पेड़ लगाने का काम करेगी। सपा कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में एकत्रित हुए कार्यकर्ताओं ने पेड़ लगाकर अखिलेश यादव को जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि पीडीए का नारा सामाजिक न्याय के लिए है, जिसको अब और भी ज्यादा बुलंद किया जाएगा। प्रदेश भर में लाखों की संख्या में पीपल, बरगद, नीम, वट वृक्ष के पेड़ लगाए जाएंगे और उनका संरक्षण भी किया जाएगा। जैसे जैसे ये पेड़ बड़े और मजबूत होंगे, वैसे वैसे ही हमारा पीडीए भी मजबूत होगा, यही इसका संदेश है। आपको बता दें कि जन्मदिन से 2 दिन पहले लखनऊ के पार्टी ऑफिस के बाहर लगी एक होर्डिंग खूब वायरल हुई। इस होर्डिंग में अखिलेश यादव की बड़ी सी तस्वीर लगाई गई है। इसके साथ ही होर्डिंग में उन्हें भावी प्रधानमंत्री लिखकर जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं लिखी है। होर्डिंग में पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की पत्नी और सांसद डिंपल यादव की तस्वीर भी लगी है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।